जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय। हरियाणा प्रदेश बीजेपी युवा के नए प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जो है करनाल पहुंचे। अगर बात करें अभी जो हाल ही जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि करनाल भाजपा की जो युवा टीम है उनके साथ जो है यहां पर करनाल रेस्ट हाउस से जो है एक विशाल रोड शो के माध्यम से जो है आज इनका अभिनंदन समारोह जो है करनाल सीएम सिटी में किया जा रहा है, जिसके बाद करीब 12:30 से 1 बजे कृष्णा मंदिर पहुंचेंगे और युवा टीम के साथ मौजूद है मनीष यादव जो युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर आप बताएं कि करनाल आप पहुंचे हैं, किस तरह के कार्यक्रम जो है युवा टीम के साथ मिलकर पूरे हरियाणा भर में किए जाएंगे? हमारे करनाल जिले का युवा मोर्चा बहुत ही जिम्मेदार और जुझारू युवा मोर्चा है और उसी प्रकार का वातावरण आज मुझे देखने को मिल रहा है जब मैं करनाल में पहुंचा हूं। मैं इन नौजवानों को बधाई देता हूं, इनके संगठन के प्रति समर्पण को, जिस प्रकार के संघर्ष के साथ इन्होंने अपने आप को मेहनत करके यहां तक पहुंचाया है, और मेरे को बड़ी खुशी है, बड़ा हर्ष है कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मैं करनाल पहुँचा हूँ और चारों ओर उत्साह का माहौल है, ये सराहनीय है। तो अगर बात करें सर हरियाणा में युवक अगर बात करें तो नशे की लत में पड़कर अपराध की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो किस तरह से भाजपा युवा टीम जो है अब इस तरफ कार्य करेगी? भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता है और हमारा कर्तव्य है कि अपने नौजवानों की नशों की लत से बचाएं और उनको सही दिशा में लेके जाएं। उसके लिए प्रत्येक युवा मोर्चा हरियाणा का कार्यकर्ता तत्पर होकर इस काम में लगेगा और अपने भाइयों को इस नशे की लत से बचाने का प्रयास करेगा। तो ये थे हमारे साथ भाजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जो करनाल पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो भाजपा की युवा टीम है वो जो है भाजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए अभिनंदन के लिए जो है करनाल में मौजूद है। अगर बात करें तो आज करनाल भाजपा युवा टीम की तरफ से जो है यहाँ पर करनाल में एक रोड शो निकाला जाएगा जो करनाल के सभी मुख्य मार्गों से होता हुआ जो है कृष्णा मंदिर करनाल में 12:30 से 1 बजे पहुंचेगा, जहाँ पर नए प्रदेश अध्यक्ष युवा के बने हैं उनके लिए एक अभिनंदन समारोह करनाल भाजपा बीजेपी युवा टीम की तरफ से रखा गया है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैंने पूरे प्रदेश भर का प्रवास करने का तय किया और उसी में से आज 22वां जिला करनाल है। जिस प्रकार का वातावरण लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में नौजवानों का रहा, उन नौजवानों को पार्टी के विचार से जोड़कर और उनको पार्टी की मुख्य धारा में लाने के लिए मैंने प्रदेश भर का प्रवास किया, जिसमें से कि आज करनाल आना पड़ा। तो किस तरह का सर युवा टीम हरियाणा भर में काम करेगी? पूरे प्रदेश भर में नौजवानों का उत्साह देखते ही बनता था। जिस प्रकार का वातावरण लोकसभा और विधानसभा उससे कहीं बढ़ चढ़कर वातावरण आज नौजवानों के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी पार्टी की जो महत्वाकांक्षी योजना है एक बूथ 10 यूथ, भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक बूथ पर 10 यूथ हो, इसको आने वाले समय में हम सुनिश्चित करने। पंजाब के बाद हरियाणा में भी जो है जो युवा है काफी तेजी से नशे की लत में पड़कर अपराध की तरफ बढ़ रहा है, इस पर भी कोई कार्रवाई करेंगे आप? भारतीय जनता युवा मोर्चा टीम गठन के बाद बड़े मात्रा में प्रदेश भर में नीचे तक इस बात को जागरूकता अभियान के माध्यम से नौजवानों के बीच में जाएगा कि हरियाणा का नौजवान जिम्मेदार है, उसको अपनी राह से भटकना नहीं, उसको जिम्मेदारी के साथ प्रदेश और देश के भविष्य के लिए योगदान देना है और वो इस लत से अपने आप को बचा के रखे, इसके लिए बड़ी मात्रा में जागरूकता सरकार और संगठन के माध्यम से हम नौजवानों के बीच में करने वाले। हर वर्ष देखने को मिलता है संगठन तो बना दिए जाते हैं लेकिन हम हकीकत में जो कार्य करना होता है जमीनी स्तर पर वो उस तरह के हो नहीं पाते, कहाँ कमी रहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के निरंतर परिश्रम के कारण से आज इस देश के इतिहास में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में, पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर,
ये केवल और केवल निरंतर कार्यकर्ताओं के संघर्ष के कारण से आज हम सत्ता में हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता है, जिस प्रकार से जनता ने हमें वोट देकर सत्ता में सरकार में लाए हैं, अब हमारी सेवा हमारा कर्तव्य है कि हम जनता की सेवा करें। युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता तत्पर होकर सरकार की केंद्र और राज्य नीतियों को नीचे जन जन तक पहुँचाने का काम करेगा। हरियाणा में छात्र संघ चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे इस बारे में? विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं कि ठीक से नहीं किया। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं हमारे से पूर्व, चाहे वो INLD हो चाहे वो कांग्रेस है, खुद सरकार की भूमिका में रहे और उन्होंने इसको लागू नहीं करने का काम किया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक पहल की, ये बहुत ही सकारात्मक सोच है, उसको हम सबको मिलकर सराहना चाहिए। सिवाय इस बात के कि केवल कहने के लिए हम विरोधी हैं, विपक्ष में हैं तो हमें कुछ कहना है, बल्कि ये एक ऐसा प्रयास जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने छात्र संगठनों की जो निरंतर मांग रही उसको पूरा करने का काम किया, ये बहुत सकारात्मक पहल है, हमें उसको सराहना चाहिए। हुड्डा प्लाट आवंटन में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के खिलाफ एक और FIR दर्ज हुई है, हाल ही में क्या कहेंगे? देखिए, हुड्डा के कुक्रम दिन प्रतिदिन जनता के सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार का शासन उन्होंने 10 साल के अंदर चलाया, जिस प्रकार की ठगी जनता के साथ की है, उसका परिणाम उनको भुगतना होगा, क्योंकि हमारी सरकार ना दोषी को बख्शेगी ना उसको राहत मिलेगी, जो दोषी रहा उसको सजा मिलेगी, जो जो कारनामे किए हैं उनकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी।